नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य ज्योति में। आज की इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस को देखेंगे, क्लास फाइव के सिलेबस को देखेंगे, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से फर्स्ट समेटिव से लेकर थर्ड समेटिव यानी कि जो तीनों समेटिव होते हैं उसके सिलेबस को देखेंगे। सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के सिलेबस को देखेंगे। इसमें मैं हर सब्जेक्ट के सिलेबस को बताऊँगी अदर्स वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से हिंदी विषय को देखेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट समेटिव से लेकर थर्ड समेटिव तीनों समेटिव के सिलेबस को जानेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट समेटिव की बात कर रहे हैं कि फर्स्ट समेटिव में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, फर्स्ट समेटिव, तो फर्स्ट समेटिव के अंदर हमारा जो पहला पाठ है यानी जो हमारी किताब है, पाठ बहार। ठीक है, पाठ बहार से जो आने वाला है उसकी हम बात कर ले। पाठ बहार में आने वाला है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो आएगा, वह देश कौन सा है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड चैप्टर सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तीसरा छब्बीस जनवरी की परेड। चौथा चैप्टर जो आने वाला है वो है हम बालक। पांचवा किस्मत का खेल। इसके बाद छठा ओलंपिक, ओलंपिक खेल। सातवां कबड्डी और आठवां भगत सिंह। ठीक है, भगत सिंह। यदि हम व्याकरण यानी कि भाषा पाठ की बात करें, व्याकरण की जो आपकी दूसरी किताब चलती है भाषा पाठ, यदि हम भाषा पाठ की बात करें तो भाषा पाठ में से आने वाला है पहला आपका व्यंजन संधि, दूसरा शब्द और पद। ठीक है, इतना आपका फर्स्ट समेटिव का सिलेबस है हिंदी का। आइए अब हम सेकेंड समेटिव के सिलेबस को जानते हैं। ठीक है, सेकेंड समेटिव में हिंदी में क्या क्या आने वाला है। यदि हम सेकेंड समेटिव की बात करें, ठीक है, सेकेंड समेटिव में पाठ बाहर से
पाठ बाहर से आइए, हम देखते हैं क्या क्या आएगा। पहला जो आने वाला है भूल गया है क्यों इंसान, ठीक है। दूसरा पहाड़िया वर्षा के सुर में, तीसरा बादल, चौथा मूर्ख मगरमच्छ की कहानी, इसके बाद पांचवा अमृतवाणी, और फिर छठा सद व्यवहार, सातवां रेलगाड़ी। तो इतने चैप्टर्स आपके पाठ बाहर से आने वाले हैं। इसके बाद यदि हम व्याकरण की बात करें, व्याकरण की आपकी जो पुस्तक है भाषा पाठ, उसकी यदि हम बात करें तो भाषा पाठ में से सेकेंड सेमेटिव में आएगा लिंग, ठीक है। एक मिनट रुकिए, अच्छे से लिख दूं। लिंग, दूसरा वचन, और तीसरा पत्र लेखन, ठीक है। ये हमारा सेकेंड सेमेटिव का सिलेबस है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड सेमेटिव के सिलेबस को जानेंगे कि थर्ड सेमेटिव में हिंदी में क्या क्या आएगा, ठीक है। थर्ड समेटिव, ठीक है, ये आपका फाइनल समेटिव होता है, ठीक। इसके अंदर जो हमारा पहला चैप्टर आएगा वो आएगा आसमान वाले दो मित्र, दूसरा अंधेर नगरी, तीसरा समय, ये कविता है सियाराम शरण गुप्त की, चौथा सर आइजक न्यूटन, पांचवा ईदगाह, छठा दादी अम्मा, सातवा दैनिक जीवन में आत्मरक्षा, और उसके बाद आखिरी चैप्टर पुस्तके असली मित्र, ठीक है। इतना आपको आएगा आपकी जो किताब है
पाठ बाहर उससे, ठीक है, पाठ बाहर से। और उसके बाद यदि हम आपकी जो दूसरी पुस्तक है भाषा पाठ, जो कि आपकी व्याकरण की किताब है, अगर हम उसकी बात करें तो इस बार उसमें से आएगा पुरुष वाचक, ठीक है, दूसरा विलोम शब्द और तीसरा अनुच्छेद रचना। तो यहाँ तक हम लोगों का सिलेबस है, फर्स्ट समेटिव, सेकेंड समेटिव और थर्ड समेटिव हिंदी विषय का। आने वाली आगे की वीडियो में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट की सिलेबस को जानेंगे, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में मैं हर क्लास के हर सब्जेक्ट के वीडियो को, हर सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके वीडियो को प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप आगे से ही उसकी तैयारी कर सकें, जो आपको परीक्षा में आगे बने रहने में मदद करेगी। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी होगी और इससे आप अवश्य ही लाभ उठाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।